नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। तो आज की जो वीडियो है कैसे प्लांट के ऊपर है, जो अगर आप YouTube पे या Google पे कहीं भी सर्च करेंगे तो बहुत ही कम लोगों ने उस पर वीडियो बनाई है। तो मैं एक ऐसे प्लांट की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट, जिसको मदर ऑफ मिलियन भी बोलते हैं और भी बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। ये वो प्लांट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। किसी टाइम मैं इसको नर्सरी से लेके आया था, 10 रुपये का, बहुत ही छोटा सा प्लांट था, 4 से 5 इंच वो प्लांट था। हालांकि जो प्लांट मैं नर्सरी से लेकर के आया था वो तो डेड हो चुका कब का ओवर वाटरिंग की वजह से, लेकिन ये प्लांट उसके छोटे छोटे पब से ही तैयार हुआ है। और ये एक ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लांट है। और ये प्लांट भी सैकुलेंट फैमिली से ही रिलेटेड है, लेकिन और प्लांट्स के मुकाबले इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और दोस्तों बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसको हम गार्डन में एक बार ऐड करते हैं तो उससे पब से, कटिंग से, उसके सीड से 1 से 2, 2 से 10 प्लांट बना सकते हैं। लेकिन इस प्लांट में ऐसा नहीं है, इसको बिना ही बनाए हुए ये अपने आप ही बहुत सारे जर्मिनेट हो जाते हैं और देखते देखते ये काफ़ी मैच्योर प्लांट भी हो जाते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है, आप इसको छोटे से छोटे गमले में भी लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाता है और बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। और दोस्तों ये एक ऐसा प्लांट है, ये बहुत ही तेज़ धूप में और बहुत ही ज़्यादा सर्दी में भी आसानी से सर्वाइव कर जाता है। बस ये सिर्फ ओवर वाटरिंग की वजह से डैमेज हो जाता है और प्लांट ख़राब हो जाता है। और ये कुछ प्लांट है जो मैंने जेड प्लांट के गमले से निकाला था, इनको मैं दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगा। और इनको दूसरे गमले में शिफ्ट करने के बाद मैंने इसको ऐसी जगह पर रख दिया है ताकि अब ये दोबारा किसी गमले में जर्मिनेट ना हो। और दोस्तों जैसे कि अभी दिखने में ये ब्राउन और ब्लैक कलर के लग रहे हैं, लेकिन जैसे बरसात का मौसम शुरू होगा रेनी सीजन में ये बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे और इसके ऊपर लगे छोटे छोटे पब्स भी दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। और बरसात के मौसम में तो ये अपने आप को इतना ग्रोथ कर लेता है कि इसकी स्टेम बिल्कुल लचीली हो जाती है और थोड़ी सी हवा चलने के बाद में ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाता है। और दोस्तों ये प्लांट तो उन लोगों के लिए तो और भी ख़ास है जो कम केयर कर पाते हैं या टाइम नहीं दे पाते हैं, पानी टाइम से नहीं डाल पाते हैं। तो आप इस तरह से कहीं से भी छोटे छोटे पब्स या नर्सरी से 10-20 रुपये का मिल जाएगा, ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। और आप इसको एक बार लगा के इसके ही हाल पर छोड़ दो, ये अपने आप सर्वाइव कर जाता है। आप इसमें पानी डालो ना डालो, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, बस इसको फॉरेस्ट मिट्टी में लगा दें ताकि पानी डाले और सारा पानी बाहर। और दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास ये 25 से 30 प्लांट है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट मैंने उखाड़ के फेंक दिए थे, किचन वेस्ट में डाल दिए थे, मैंने वही प्लांट रखे जो काफ़ी मैच्योर हो गए थे। और दोस्तों ये 1 से 1.5 फुट की इसकी लंबाई होने के बाद में आप इसके ऊपर के टिप काट दें ताकि दूसरी साइड ब्रांचेस निकाल सके, क्योंकि इसकी स्टेम पर बहुत ही लचीली होती है और इसमें बहुत सारा मॉइस्चर होल्ड रहता है, इसलिए थोड़ी सी हवा चलते ही ये बिल्कुल झुक जाती है या टूट भी जाती है। और दोस्तों जैसे कि 5 से 6 इंची का गमला है और इसमें बहुत सारे पब्स, इसके छोटे छोटे प्लांट्स भी जर्मिनेट हो गए हैं और ये खुद इतना बड़ा इसमें प्लांट है तो ये आसानी से सर्वाइव कर जाता है छोटे से गमले में। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने छोटे छोटे गमले में ये काफ़ी मैच्योर प्लांट लगा रखे हैं और बहुत ही आसानी से ये इनकी ग्रोथ भी हो रही है। तो आप इनको बड़ा गमला ना दें, छोटे गमले में भी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट के ऊपर छोटी सी शेयरिंग। आप इसको लगाइए प्लांट को, इसमें कोई खास केयर टिप्स की ऐसी कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप लगा देंगे ये अपने आप सालों साल चलता रहेगा। एक प्लांट लाओगे 10-20 रुपये का आपको आसानी से मिल जाएगा, ये सालों साल चल जाएगा और 1 से 1000-1000,000 प्लांट भी आपको मिलेंगे। और दोस्तों ये अपडेट है शिमला मिर्च की, जो रेड, येलो और ग्रीन तीनों वैरायटी की मैंने शिमला मिर्च लगाई है, जो अक्सर मैं अपनी वीडियो में बोलता रहता हूँ। छोटे छोटे पॉली बैग में भी आप लगा सकते हैं, तो मैंने खुद लगाया है और खुद हार्वेस्टिंग भी की है, मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की है हर बार, तो आप लगा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो करते यही ख़त्म, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।